Hello everyone, how are you all? I hope you are fine. Myself Vivek Mishra and I welcome you on my YouTube channel. Guys, before I start teaching you anything, I would like to let you know that I have made a playlist for you in which you can get my lecture from day 1 to day 30. आज जो हम lecture ले रहे हैं वो day 30 वाला है, ठीक है? तो अगर आप playlist में जाएंगे तो day 1 से day 2, day 3, day 4 sequence से आपको सारे lectures मिल जाएंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है? कोर्स हमने जब स्टार्ट किया था तो उस कोर्स में सबसे पहले मैंने इंग्लिश का इंट्रोडक्शन दिया था कि इंग्लिश क्या है, कैसे आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे और इंग्लिश में जो जो परेशानियां होती हैं उनसे कैसे छुटकारा पाएंगे. दीज ऑल थिंग्स वी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट लेक्चर. उसके बाद से फिर कोर्स स्टार्ट हो गया था तो वो सब कुछ आपको सीक्वेंस में मिल जाएगा, ठीक है? सो आई वुड सजेस्ट यू टू वॉच दैट प्लेलिस्ट. उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है? तो लेक्चर मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि आप बीच में लेक्चर्स देखना स्टार्ट मत करिए, शुरू से देखिए बिल्कुल. जो अभी भी जुड़ रहे हैं, जिनको ये लेक्चर देखने को मिल रहा है या फिर इससे पहले कुछ लेक्चर्स देखे हैं, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे. और अगर अच्छे भी लग रहे तो आप उसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए. लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप किसी को शेयर करने से पहले सारे लेक्चर्स खुद देखिए, स्टार्टिंग से लेकर. स्टार्टिंग में जो फर्स्ट लेक्चर है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है, उन सबको देखते हुए आइए, तभी जाके आपको ये 30th या बीच का कोई लेक्चर समझ में अच्छे से आ पाएगा और उसे आप यूज कर पाएंगे, ठीक है? सो आई हैव गॉट सम एक्सप्रेशंस फॉर यू. आज मेरे पास कुछ एक्सप्रेशंस हैं, बट बिफोर आई स्टार्ट टीचिंग देम आई वुड लाइक टू हैव अ लुक एट प्रीवियस टॉपिक. एक हमारा प्रीवियस टॉपिक था उसके ऊपर एक नजर मार लेते हैं. तो मैंने आपको ध्यान होगा एक एक्सप्रेशन सिखाया था, फॉन्ड ऑफ. डू यू रिमेम्बर दैट? याद है आपको? तो वो एक्सप्रेशन ये था कि जब भी कभी हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो हमें उसके करने का मन करता है, और मन करता है तो हमारा मन करते करते एक दिन वो शौक बन जाता है, ठीक है? कुछ ऐसे समझ लीजिए, जैसे एक बार मैंने एक बच्चे को देखा वीडियो गेम खेलते हुए, मारियो खेल रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं भी बैठ गया खेलने के लिए. जब मैं खेला तो मैंने वहां पर स्टेज पार कर दी और बड़ा एंजॉय किया, और एंजॉय करते करते एक दिन ऐसा आ गया कि मैं वीडियो गेम खेलने का शौकीन हो गया. तो अब मुझे वीडियो गेम खेलने का शौक है, तो वहां पर मैं सेंटेंस क्या बोलूंगा? आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग वीडियो गेम्स. क्लियर हो गया ना? यानी कोई चीज हमें देख के अच्छी लगी, उसके बाद हमें करने का मन किया, और जब करा हमने, करते करते एक दिन ऐसा हुआ कि वो हमारी हॉबी बन गई, हमारा शौक बन गया. तो उसके लिए मैंने एक्सप्रेशन आपको बता दिया था, वी यूज फॉन्ड ऑफ. याद रखिए, इसे हमें बोलना है फॉन्ड ऑफ. ऐसी एक होता है फाउंड, तो कुछ लोग फाउंड बोल देते हैं गलती से, बट आपको फाउंड समझना चाहिए. फाइंड की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है फाउंड, और फॉन्ड अलग है यहाँ पर, ठीक है? आज हम ऐसे ही इसी तरीके से कुछ और एक्सप्रेशन सीखेंगे जिनके कुछ और मतलब होते हैं. जैसे एक एक्सप्रेशन होता है सिक ऑफ. क्या होता है प्यारे बच्चों? सिक ऑफ, ठीक है? व्हेन यू गेट अनॉयड और फ्रस्ट्रेटेड विद समथिंग और समवन, उस कंडीशन में एक्सप्रेशन बोला जाता है. अर्थात जब आप किसी चीज से बहुत तंग आ जाए, परेशान हो जाए, आती हो जाए, चिड़चिड़ा जाए बुरी तरीके से, गुस्सा सी आए, झुंझलाहट आए आपको, तब आप ऐसे में जो एक्सप्रेशन यूज करेंगे अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश में, वो एक्सप्रेशन होगा सिक ऑफ. जैसे लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ, जब तो बड़े मजे आए कि यार छुट्टियां हो गई बहुत सारी, बहुत छुट्टी नहीं मिलती थी, अब तो मस्त सोएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. लेकिन लॉकडाउन इतना बढ़ता जा रहा है, तो अब ये लगता है, अब तो मैं यार तंग आ गया हूं ये छुट्टियों से. आई एम सिक ऑफ दीज हॉलीडेज. क्या बोलेंगे? आई एम सिक ऑफ दीज हॉलीडेज. मैं तंग आ चुका हूं इस लॉकडाउन से. आई एम फेड अप विद दिस लॉकडाउन. तो होता क्या है प्यारे बच्चों, यहां मैं मुस्कुरा के जरूर बोल रहा हूं, लेकिन जब आप कभी भी इसको बोलें तो थोड़ी शक्ल पे, मतलब ऐसा एक्सप्रेशन लेके आना कि सच में आप तंग आ गए, परेशान हो गए इस चीज से बहुत ज्यादा, है ना, हाथी हो चुके हैं, आप छुटकारा पाना चाहते हैं इससे जल्दी से जल्दी, ठीक है? सिक ऑफ भी बोल सकते हैं आप, और मैं अभी आपको बताऊंगा और क्या क्या बोल सकते हैं, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा सेंटेंस में फ्रेम कर लेते हैं, ठीक है? सेंटेंस में फ्रेम हो जाता है ना तो अच्छे से और समझ में आ जाता है. जैसे आर यू सिक ऑफ, और उसके बाद आपको यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या रखना है, देखिए प्रीपोजिशन है, मैंने बताया था प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आते हैं. तो यहां पर मान लीजिए हमने नाउन या प्रोनाउन में से कोई भी रख दिया, आर यू सिक ऑफ, जैसे मैंने रख दिया नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क, ठीक है? ऐसे रख देते हैं, क्या आप मोबाइल नेटवर्क से परेशान है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है? क्या आप मोबाइल नेटवर्क से परेशान है? आर यू सिक ऑफ मोबाइल नेटवर्क. क्लियर हो गई बात यहां तक? आर यू सिक ऑफ मोबाइल नेटवर्क. अब यहां पर क्या है,
कोई काम नहीं है मोबाइल नेटवर्क में तो ऐसी कैसी रख दिया। लेकिन अगर कोई काम आ जाता है, जैसे क्या आप लिख लिख के परेशान हुए हैं? कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको लिखने का काम बहुत मिल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो खूब लिखना पड़ रहा है, टीचर्स वर्कशीट भेज दे रहे हैं तो वो भी बेचारे लिख लिख के आती हो जा रहे हैं। एक तो ऑनलाइन क्लास के दौरान उन्हें बहुत कुछ लिखना पड़ता है, फिर बाद में भी होमवर्क मिल जाता है तो बहुत वहां पर दिक्कत हो रही है। उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी है जिनको घर बैठ के काम करना पड़ रहा है, वर्क फ्रॉम होम, तो उनको भी लिखना पड़ रहा है तो लिख लिख के वो परेशान हो गए हैं। ऐसी कभी कभी एग्जाम में भी हमें बहुत कुछ लिखना पड़ता है। हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास में हिस्ट्री सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, उन्हें बहुत कुछ लिखना पड़ता है। तो क्या परेशान है लिख लिख के? तो लिखना हो गया राइट, ध्यान से देखिएगा। अब राइट माने क्या होता है? लिखना होता है, ये काम हो गया। अब हमें ऑफ के बाद क्या चाहिए? हमें ऑफ के बाद चाहिए नाउन या प्रोनाउन, जैसे नाउन को हम बोलते हैं नो वर्क, तो हमें नो वर्क चाहिए, नो वर्क मिल गया। लेकिन वर्क मिल गया तो हम क्या करेंगे, इसमें आईएनजी लगा के इसको नो वर्क बना देंगे। और ये चीज समझने के लिए आपको मेरी फोंड ऑफ वाली जो वीडियो है उसको देख लीजिए, वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बार बार एक ही चीज क्लियर करूंगा तो आप बोर होंगे। ठीक है, तो फोंड ऑफ वाली वीडियो देख लेना, वो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि ऑफ के बाद ये आईएनजी क्यों लगा, कैसे आया, क्योंकि आपने तो ऐसी सीखा आईएनजी जब आता है जब कोई काम जारी होता है, लेकिन ऐसा नहीं, आईएनजी एक और कंडीशन में भी आ जाता है, तो मैंने फोंड ऑफ वाली वीडियो में बता दिया है। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या आप परेशान हो गए मोबाइल नेटवर्क से? आर यू सिक ऑफ मोबाइल नेटवर्क्स? क्या आप परेशान हो गए राइटिंग से, यानी लिख लिख के? आर यू फॉन्ड ऑफ राइटिंग? अब और थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या आप तंग आ चुके हैं मुझसे? आर यू सिक ऑफ मी? क्या आप परेशान हो गए हैं पढ़ाई से? आर यू सिक ऑफ योर स्टडीज? क्या आप तंग आ चुके हैं अपने पड़ोसी से? आर यू सिक ऑफ योर नेबर? क्या आप परेशान हो गए हैं काम कर करके? आर यू सिक ऑफ वर्किंग? क्या आप परेशान हो गए हैं सुबह जल्दी उठ उठ के? आर यू सिक ऑफ गेटिंग अप अर्ली? मतलब किसी भी चीज से परेशान होने के लिए जब आपको लगता है कि कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है और वो उसको करते समय थोड़ा इरिटेट या फ्रस्ट्रेट हो रहा है, तब आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि आप तंग आ गए ये चीज कर करके। आर यू सिक ऑफ? या तो नो वर्क आएगा या वर्क में आईएनजी लग जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब आपको हाँ में जवाब देना है तो आप क्या करेंगे? आई एम सिक ऑफ, फिर यहां पर आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, या आप नो वर्क रख देंगे सीधे सीधे, समझ में आ रहा है ना? या तो आईएनजी लगा देंगे वर्क में, या फिर सीधे सीधे नो वर्क रख देंगे, दोनों में से कोई एक चीज होगी। जैसे मैं परेशान हूं इस पेन से, कभी चलता है कभी नहीं चलता, मेरे समझ में नहीं आता कैसा पेन है। आई एम सिक ऑफ दिस पेन, तो इस पेन से परेशान हूं, इसमें कोई काम नहीं है। और मैं लिख लिख के परेशान हूं, आई एम सिक ऑफ राइटिंग, यानी इसी पेन से लिख लिख के परेशान हो गया हूं, तो लिखना हो गया इसलिए आईएनजी आ गया, और नहीं लिखना था जब पेन की बात कर रहे थे तो सीधे उतर गया। क्लियर हो गई बात यहां पर? मैं तो तंग आ गया हूं आपसे, आई एम सिक ऑफ यू। मैं परेशान हो गया हूं पॉलिटिशियंस से, आई एम सिक ऑफ पॉलिटिशियंस। मैं परेशान हो गया हूं सिस्टम से, आई एम सिक ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, मैं इस मैनेजमेंट से परेशान हूं, आई एम सिक ऑफ दिस मैनेजमेंट। मैं अपने बॉस से परेशान हूं, आई एम सिक ऑफ माय बॉस। ठीक है, मैं घर के कामकाजों से परेशान हूं, आई एम सिक ऑफ डोमेस्टिक चोर्स। तो किसी भी चीज से परेशान तो भाई आप होंगे, मैं अलग चीजों से परेशान हूंगा, आप अलग चीजों से, आप जिससे परेशान है बस उस वर्ड को यहाँ पर लगा दीजिए। अगर काम हो तो आईएनजी लगा देना उसमें, ठीक है, वर्क हो तो आईएनजी लगा देना। मना करना है तो प्यारे बच्चों यहीं पर ही आप नॉट लगा दीजिए, यहीं से काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे सीखने के लिए इतना ज्यादा मैं डिटेल में नहीं बता रहा, क्योंकि आप ऑलरेडी बेसिक क्लासेस अगर करते हुए आए, मेरी सारी वीडियोस देखते हुए आए हैं, तो आपको सब वैसे ही समझ में आ जाएगा। बस मैं हिंट दे देता हूं, अगर थर्ड पर्सन की बात होगी तो इज ही सिक ऑफ यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि मैंने ये चीजें सिखा दी है कि ही शी के साथ क्या होना है क्या नहीं होना, तो यहाँ ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे। यहाँ पर हाँ में आंसर देना ही इज सिक ऑफ, मना करना तो ही इज नॉट सिक ऑफ। जैसे कोई लड़की है वो उन लड़कों से परेशान है जो बस कुछ नहीं, वो बेचारी घर से निकली और पीछा करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे लड़के जो पीछा करना शुरू कर देते हैं उनको बोलते हैं स्टॉकर्स। क्या बोलते हैं? स्टॉकर्स। तो लड़की किन से परेशान है? स्टॉकर्स से। She is sick of stalkers. ठीक है, किससे परेशान है? She is sick of stalkers. और वैसे भी देखो कुछ ऐसा बनना चाहिए हमें लाइफ में कि हमारे पीछे लोग भागे, ऐसे नहीं बनना चाहिए कि हमें किसी के पीछे भागना पड़े। और भागते कौन है पीछे, आप समझ गए होंगे, समझदार के लिए इशारा काफी होता है, एक मुहावरा होता है, वही सीख लीजिए, a word to wise is sufficient। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ऐसा बनिए कि लोग आपके पीछे भागे, आपके बारे में पूछे,
ऐसा मत बनिए कि आपको किसी के पीछे भागना पड़े या आपको किसी की खातिरदारी या कुछ करना पड़े, ठीक है। और जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो एक जानवर होता है जो पीछे पीछे भागता रहता है, तो समझ गए होंगे, वर्ड टू वाइज इज सफिशियंट। मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा, समझदार को इशारा ही काफी होता है। तो कुछ ऐसा बनिए, मेहनत करिए, मेहनत से सब कुछ हासिल करने की कोशिश करिए, ठीक है। आज की डेट में सलमान खान को किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट हाँ, जिसकी कोई पहचान नहीं है उसको 10 लोगों के पीछे भागना पड़ता है। तो अ वर्ड टू वाइज इज सफिशियंट, समझदार को इशारा काफी होता है, ठीक है। स्टॉकर समझ में आ गया आपको? तो वो बेचारी परेशान हो गई है, शी इज सिक ऑफ स्टॉकर्स, ठीक है। ऐसी जो छेड़खानी करते हैं उन्हें बोलते हैं ईव टीजर्स, तो शी इज सिक ऑफ ईव टीजर्स। मैं परेशान हो गया हूँ घर के काम काज कर करके, आई एम सिक ऑफ डूइंग डोमेस्टिक चोर्स। तो यहाँ पर इज एम आर से आप प्रेजेंट में बात रख सकते हैं, पास्ट में रखनी है वॉज वर्क कर दीजिए, बाकी कहीं और अगर आपको ये मिल जाए तो उसमें बी से आप सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे बी से कैसे बोलेंगे, वहां मत जाओ, वहां तुम सिस्टम से परेशान हो जाओगे। देखो मैं फ्यूचर के लिए बोल रहा हूँ, डोंट गो देयर, अदरवाइज यू विल बी सिक ऑफ द सिस्टम। तो मैंने बी क्यों लगाया, क्योंकि सिक ऑफ कोई वर्क थोड़ना है, सिक ऑफ इज द एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन है यहाँ पर ये नो वर्क का रोल प्ले कर रहा है, तो इससे पहले हमें बी लगाना पड़ेगा। और वैसे ही मैं आपको बता चुका हूं जो आर एम इज होते हैं किसका रूप होते हैं, बी का। तो जब हम इसको नो एक्शन को या नो वर्क को हम कहीं और बोलेंगे तो बी का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। यू विल बी सिक ऑफ दिस, क्लियर हो गया, यहां तक बात समझ में आ गई। आप दिल्ली मत जाओ, दिल्ली में परेशान हो जाओगे, मतलब आप दिल्ली के लोगों से या दिल्ली से आप परेशान हो जाओगे। डोंट गो टू दिल्ली, अदरवाइज यू विल बी सिक ऑफ द पीपल ऑफ दिल्ली, और यू विल बी सिक ऑफ दिल्ली। वैसे दिल्ली के लोग अच्छे हैं, पूरा देश अच्छा है, पूरी दुनिया अच्छी है, बस मैं सेंटेंस बोलवा रहा हूँ, तो आप अपने ऊपर व्यक्तिगत तौर पे ना ले लें इस चीज को, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया। अब प्यारे बच्चों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो सिक ऑफ है इसकी जगह पर आप यूज कर सकते हैं फेड अप विद, एक ही बात होती है, आप इसे भी बोल सकते हैं, सिक ऑफ बोलिए या फेड अप विद बोलिए या टायर्ड ऑफ बोलिए, एक ही बात है, तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है, एक ही तरीके से यूज होते हैं। जैसे आई एम फेड अप विद यू, आई एम फेड अप विद दिस पेट, इस पेट से, इस घरेलू जानवर से मैं परेशान हो चुका हूँ, मुझे काट जाता है, आई एम फेड अप विद दिस पेट, ठीक है। मैं परेशान हो चुका हूँ अपने मोबाइल से, बार बार हैंग हो जाता है, आई एम टायर्ड ऑफ माई मोबाइल। तो देखिए यही सब यूज कर रहा हूँ मैं, समझ में आ गया ना, तंग आ चुके हैं, परेशान हो गए किसी चीज से, तो फेड अप विद, सिक ऑफ या टायर्ड ऑफ, इसको आप यूज करिए। आगे बढ़ते, जब हम किसी से परेशान हो जाते हैं तो उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, चाहते नहीं चाहते हैं, जब किसी चीज से परेशान हो जाएंगे, किसी व्यक्ति से, किसी काम को करने से परेशान हो जाएंगे तो छुटकारा पाना चाहेंगे। छुटकारा पाने के लिए जो होता है वर्ड होता है रिड ऑफ, और पाना होता है गेट, तो हमारा एक और एक्सप्रेशन क्या बन गया, गेट रिड ऑफ, यानी छुटकारा पाना, ठीक है, समझ में आ गया ना। छुटकारा पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए गेट है, और छुटकारा होता है रिड, रिड के साथ हमेशा जो प्रपोजिशन है ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है, ध्यान रखिएगा, इनको चेंज नहीं कर सकते, तो यहां पर आ जाएगा ऑफ। तो ये पूरा सेंटेंस हम ऐसे बोलेंगे, मैं छुटकारा पाना चाहता हूं अपनी नर्वसनेस से, आई वाना गेट रिड ऑफ माय नर्वसनेस, ठीक है, बात समझ में आ गई। आई वाना गेट रिड ऑफ माय नर्वसनेस, मैं अपनी हेजिटेशन से छुटकारा पाना चाहता हूं, आई वाना गेट रिड ऑफ माय हेजिटेशन, ठीक है, बात क्लियर हो रही है। मैं अपने पड़ोसी से छुटकारा पाना चाहता हूं, आई वाना गेट रिड ऑफ माय नेबर, ठीक है, जिससे भी आप परेशान हो गए हैं और छुटकारा पाना चाहते हैं गेट रिड ऑफ लगा सकते हैं। डिस्पोज ऑफ एक वर्ड होता है, वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा बोलता है, तो ये वाला मैंने आपको बता दिया है। तो छुटकारा पाना गेट रिड ऑफ, लेकिन छुटकारा दिलाना, यानी आज हम इसकी भी बात करने वाले हैं कि जब हमें किसी को कुछ दिलाना हो, ध्यान से सुनिएगा, कोई चीज प्राप्त करनी है तो गेट आता है, लेकिन किसी को कोई चीज दिलानी है, उसको प्राप्त करवानी है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें बहुत गड़बड़ होती है, लोग बोल नहीं पाते। तो जैसे मैंने कहा कि मैं एक गिलास पानी चाहता हूँ, ठीक है, एक गिलास पानी पीना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेक वन ग्लास ऑफ वाटर, आई वॉन्ट टू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है, थीके? क्या आप मुझे एक गिलास पानी दिलवा सकते हो? तो दिलवाने की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही मैंने कहा कि आप मुझे उस मूवी की टिकट दिलवा सकते हो, यार हाउसफुल चल रहा है, क्या आप मुझे पासिस दिलवा सकते हो, क्या आप मुझे ये दिलवा सकते हो, क्या आप मुझे वो दिलवा सकते हो, यानी दिलवाने की बात हम कर रहे हैं। तो दिलवाने के लिए आप ध्यान रखिएगा, व्हेन वी प्रोवाइड समथिंग टू समबडी, जब हम किसी को कोई चीज प्रोवाइड करवाते हैं, तो प्यारे बच्चों वहां पर ये फॉर्मूला आप याद रखना, कभी आप फेल नहीं होगे, गेट समबडी समथिंग, ध्यान से सीख लेना इसको, बिल्कुल ध्यान से सीखिएगा, आपको
कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्या लिखा है मैंने, गेट समबडी, क्या लिखा है समबडी शॉर्ट में, और ये समथिंग यानी कोई और वो कोई चीज। जैसे मैंने कहा मुझे एक गिलास पानी दिलवा दो, तो ध्यान से देखिए यहां गेट आ गया, यहां मैं हो गया, ठीक है, जो रिसीव करेगा जो व्यक्ति वही हो गया। उसके बाद समथिंग क्या है, गेट मी अ ग्लास ऑफ वॉटर, ठीक है, गेट मी अ ग्लास ऑफ वॉटर यानी मुझे एक ग्लास पानी दिलवा दो। क्लियर हो गया यहां तक। मुझे पासिस दिलवा दीजिए, गेट मी पासिस, ठीक है, स्टेज शो वगैरह होते हैं ना तो उसके पासिस मिलते हैं। हमारे आगरा में यहाँ पर ताज महोत्सव होता है तो उसके पासिस मिलते हैं, तो उसके लिए लोग जुगाड़ करने लग जाते हैं, तो होता है गेट मी पासिस, ठीक है। मुझे एक पेन दिलवा दो, गेट मी अ पेन। मुझे एक साइकिल दिला दो, गेट मी अ बाइसाइकिल। मुझे एक शर्ट दिला दो, वही वही पेन के सामने आ जाता हूँ आपके, गेट मी अ शर्ट, ठीक है। मुझे पॉकेट मनी दिलवा दो, गेट मी पॉकेट मनी। मुझे सैलरी दिलवा दो, यार बॉस सैलरी नहीं दे रहे हैं, गेट मी माई सैलरी, ठीक है। मुझे कैरम बोर्ड दिलवा दो, घर में बोर होता रहता हूँ, खेल लूंगा थोड़ी देर, गेट मी अ कैरम बोर्ड। मुझे एक स्मार्टफोन दिलवा दीजिए, गेट मी अ स्मार्टफोन, ठीक है। ऐसे थर्ड पर्सन के लिए करना है तो आप ऐसे कर दोगे, गेट हिम, और यहाँ पर वो चीज लगा दो। इनको यार गन दिलवा दो, इनकी जान को खतरा रहता है, इनको एक बंदूक दिलवा दो, गेट हिम अ गन, ठीक है। क्या बोलोगे, गेट हिम अ गन। कोई लड़की है उसके लिए बोल सकते हैं इनको एक ड्रेस दिला दो, गेट हर अ ड्रेस। कितना इजी है, गेट हर अ ड्रेस। अभी तो मैं इन्हें सेंटेंस में यूज करूंगा, देखना और कितना मजा आएगा आपको। ये सेंटेंस सच में आपकी पर्सनल लाइफ में यूज होते रहते हैं, और जब बोलने को मिल जाए, ऐसा कुछ सीखने को मिल जाए तो और अच्छा लगता है। तो अच्छा लगे प्यारे बच्चों तो शेयर जरूर कर दीजिए करिए, और लाइक उससे भी ज्यादा होने चाहिए, तभी मोटिवेशन मिलता है। तो इस तरीके के और अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लाता रहूं, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सेंटेंसेस में फ्रेम करते हैं, उस बेसिक में जो हम पिछली क्लासेस में सीखते आ रहे हैं। जैसे क्या आप मुझे एक गिलास पानी दिलवा सकते हो, तो मैं बहुत प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट के लिए मैंने कुड सिखाया, कुड यू प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वॉटर, तो उसने कहा हाँ बिल्कुल, यस ऑफ कोर्स, और वो लाके आपके सामने पानी उसने रख दिया, ठीक है। फिर आपने कहा पानी गंदा है, दिस वॉटर इज डर्टी, क्या बोलोगे, दिस वॉटर इज डर्टी। इससे अच्छा आप ये बोलोगे, दिस वॉटर इज नॉट वर्थ टेकिंग, क्या बोलोगे, दिस वॉटर इज नॉट वर्थ टेकिंग। आने वाली क्लासेस में मैं आपको वर्थ भी सिखा दूंगा, ठीक है, ये पानी पीने लायक नहीं है, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं, दिस वॉटर इज नॉट ड्रिंकेबल, ये भी सही होता है। क्लियर हो गई बात यहां तक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने कहा कि एक काम करो, इस पानी को ले जाओ, मुझे एक ग्लास जूस दिलवा दो, गेट मी अ ग्लास ऑफ जूस। तो उसने कहा भाई मैं जूस नहीं दिलवा सकता आपको, आई कांट गेट यू जूस, क्या बोलेंगे, आई कांट गेट यू जूस, ठीक है। फिर आपने उससे पूछा तो आप मुझे क्या दिलवा सकते हो, तो क्या हो जाएगा, देखो वॉट आ गया ना, यहाँ पर उस चीज का नाम जानना चाह रहे हैं, वॉट कैन यू गेट मी। अब समथिंग क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि समथिंग को तो जानना ही चाह रहे हैं वॉट से, ठीक है, वॉट कैन यू गेट मी। तो उसने कहा मैं आपको कॉफी दिलवा दूंगा, आई कैन गेट यू कॉफी। तो आपने कहा मैं कॉफी तो पीता नहीं हूँ, आई डोंट टेक कॉफी। तो उसने पूछा आप क्या पीते हो, वॉट डू यू टेक। आपने कहा कि मैं चाय पी लेता हूँ, आई कैन टेक टी। फिर आपने कहा मुझे एक कप चाय दिलवा दो, एक कप चाय दिलवा दो, गेट मी अ कप ऑफ टी, ठीक है। उसने कहा वेट करिए, यू जस्ट वेट, मैं अभी लाता हूँ, आई जस्ट फैच इट, क्या बोलेंगे, आई जस्ट फैच इट, ठीक है, फैच मतलब जाकर लेके आता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया ना कैसे कॉन्वर्सेशन होता है, इसी तरीके से होता है। आप मुझे मेरे बर्थडे पे क्या दिलाओगे, वॉट विल यू गेट मी ऑन माई बर्थडे, मैं आपको एक ड्रेस दिलाऊंगा, आई विल गेट यू अ ड्रेस ऑन योर बर्थडे। मुझे ड्रेस व्रेस नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट ड्रेस, मुझे तो बाइक चाहिए, आई वॉन्ट बाइक ऑन माई बर्थडे, क्या आप दिला सकते हो, कैन यू गेट मी अ बाइक। हाँ बिल्कुल दिला सकता हूँ, आई कैन गेट यू अ बाइक, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, आई हैव लॉट ऑफ मनी, ठीक है। क्लियर हो रही है ना बात यहां तक। तो दिलाने के लिए क्या यूज करेंगे, गेट समबडी समथिंग, याद रखिए गेट समबडी समथिंग। गांधी जी ने हमें आजादी दिलाई थी, गांधी जी गॉट अस फ्रीडम, ठीक है। मेरे पापा ने मुझे साइकिल दिलाई थी मेरे बर्थडे पे, माई फादर गॉट मी, सेकेंड फॉर्म लग गई। अब देखिए डिड, अब वो ही सब यूज हो रहा है जो हमने पहले बेसिक क्लासेस में सीखा। अब जिसको बेसिक आ गया वो इनको यूज कर लेगा, जिसे नहीं आया वो वीडियो को बंद करके रख देगा, भाई मेरे बस की बात नहीं है, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। तो अगर आप कहना चाहते हैं जस्ट लाइक अ केक वॉक, ये तो बाएं हाथ का खेल है, ये तो बहुत आसान सी चीज है, तो वीडियोस को स्टार्टिंग से देखिए, इनको उसमें मिक्स करिए और सेंटेंस बोलिए आंख बंद करके धुआंधार तरीके से, बिल्कुल घबराइए मत, डोंट गेट हेजिटेटेड। मैं आपको छुटकारा दिलाऊंगा आपकी हेजिटेशन से, आई विल गेट यू रिड ऑफ
योर हेजिटेशन. देखिए यहाँ पर भी मैंने यही लगाया है, ध्यान से देखिए. आई विल गेट यू रेड, रेड यानी वो चीज हो गई जो दिलाऊंगा आपको, ठीक है. आई विल गेट यू रेड ऑफ योर हेजिटेशन, यानी छुटकारा दिलाऊंगा. तो यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है इस तरीके से, ठीक है. क्या आप मुझे छुटकारा दिला सकते हो? कैन यू गेट मी रेड ऑफ माई हेजिटेशन? हाँ बिल्कुल, मैंने कई लोगों को छुटकारा दिलाया. आई गॉट मैनी पीपल रेड ऑफ देयर हेजिटेशन. बात समझ में आ गई आपको, है ना प्यारे बच्चों? समझ में आ रहा है ना? यानी जब हम परेशान हो गए तो सिक ऑफ, छुटकारा पाना चाहते हैं तो गेट रेड ऑफ, और छुटकारा दिलाना चाहते हैं तो गेट समबडी रेड ऑफ. और कोई चीज दिला रहे हैं तो उसके लिए भी यही है, गेट समबडी समथिंग, ठीक है. क्लियर हो गई? अब जैसे कोई पूछे ये बोर्ड कहां से आया आपके पास, वेयर डिड यू गेट दिस बोर्ड फ्रॉम, तो मैं कहूंगा ये बोर्ड मेरे पापा ने मुझे दिलाया, माई फादर गॉट मी दिस बोर्ड, ठीक है. ये व्हाइट बोर्ड जो है मेरे पापा ने मुझे दिलाया, माई फादर गॉट मी दिस व्हाइट बोर्ड. मेरे पापा ने मुझे एक बाइक दिलाई थी, माई फादर गॉट मी अ बाइक, ठीक है. वो आपको क्या दिला रहे हैं? वॉट इज ही गेटिंग यू? आप अपनी सिस्टर को क्या दिलाते हो रक्षाबंधन पे? वॉट डू यू गेट योर सिस्टर ऑन रक्षाबंधन? मैं अपनी सिस्टर को एक ड्रेस दिलाता हूँ रक्षाबंधन पे, आई गेट माई सिस्टर अ ड्रेस ऑन रक्षाबंधन, ठीक है. चलो यहाँ पर इस तरीके के एक आध दो सेंटेंस और देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको. जैसे आपकी मम्मी ने, या ऐसे ले लेते हैं, आपने अपने मम्मी पापा को क्या दिलाया था एनिवर्सरी पे? वॉट डिड यू, क्योंकि करने वाले तो आप हो गए, वॉट डिड यू गेट somebody, अब somebody में कौन आ जाएगा? आपके मम्मी पापा. वॉट डिड यू गेट योर पेरेंट्स, ठीक है. तो योर पेरेंट्स कौन हो गए? somebody. वॉट डिड यू गेट योर पेरेंट्स? क्या दिलाया था? अब समथिंग क्यों नहीं आ रहा है? समथिंग क्योंकि इसमें छुपा हुआ है. समथिंग के बारे में तो जानना ही चाह रहे हैं, उस चीज के बारे में तो जानना ही चाह रहे हैं हम जो दिलाई थी, तो इसलिए वॉट आ गया, तो समथिंग इसमें नहीं आएगा. वॉट डिड यू गेट योर पेरेंट्स ऑन देयर एनिवर्सरी, ठीक है. अब थोड़ा सा बड़ा है तो मैं यही छोड़ दे रहा हूँ, टाइम जाता है उसमें, आप समझ गए होंगे. वॉट डिड यू गेट योर पेरेंट्स ऑन देयर एनिवर्सरी? तो अब जब जवाब देंगे तो प्यारे बच्चों इसका आंसर दो बस. देखो ये बेसिक है, जो हमने मुश्किल से 8वें 9वें दिन सीखा था, डिड, वही टॉपिक है. डिड यू गेट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आई गॉट. तो कितना आसान होता है आंसर करना. आई गॉट योर पेरेंट्स बन जाएंगे माई पेरेंट्स. आई गॉट माई पेरेंट्स, फिर उस चीज का नाम बता दो, क्योंकि उस चीज के लिए हमने ये क्वेश्चन वर्ड रखा है. आई गॉट माई पेरेंट्स अ कार, मैंने उनको एक कार दिलाई थी, कब? ऑन देयर एनिवर्सरी. कितना इजी हो गया. आई गॉट माई पेरेंट्स अ कार ऑन देयर एनिवर्सरी. क्लियर हो गया. आपकी सिस्टर ने आपको क्या दिलाया था बर्थडे पे? वॉट डिड योर सिस्टर गेट यू ऑन योर बर्थडे? मेरी सिस्टर ने मुझे एक मोबाइल दिलाया था, माई सिस्टर गॉट मी अ मोबाइल ऑन माई बर्थडे, ठीक है. आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा. तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, यूज होता रहता है. तो अगर आप यूज कर पा रहे हैं, लैंग्वेज में ऐसे सेंटेंस आ रहे हैं तो जरूर बोलिए, और नहीं आ रहे हैं तो क्रिएट करिए. क्रिएट करने का मतलब आप याद करिए ऐसा कोई भी पल जिसमें आपको किसी ने कोई चीज दिलाई हो, या आपने किसी को कोई चीज दिलाई हो, और उसके ऊपर सेंटेंस बोलिए, मन ही मन में बोलिए या मुंह से निकाल के बोलिए, कैसे भी. लेकिन प्रैक्टिस करनी, याद रखने तो बोलने पड़ेंगे प्यारे बच्चों. सिर्फ एक ही तरीका होता है इंग्लिश बोलना सीखने का, वो ये होता है स्पीक इंग्लिश. इंग्लिश बोलिए, कोई तरीका नहीं है. कोई आपको कहे कि मैं ये टिप्स दे रहा हूँ, वो टिप्स दे रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, नो वन कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड. कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता जब तक आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट नहीं कर देते हैं. और कोई तरीका नहीं होता इंग्लिश बोलना सीखने का. आपने शुरू कर दिया, दिक्कत आएगी, दिक्कतें खत्म होंगी, फ्लुएंसी निकलेगी. आपने शुरू नहीं करा, आप सुनते रहो जमाने भर के लोगों को, मोटिवेट होते रहो, मूवी जैसा हो जाएगा. सिंगम देख रहे हैं तो सिंगम जैसे फील करने लगे, और बाहर निकल के आए तो चिंगम बन गए. यही होता है मोटिवेशन में. इसलिए डोंट गेट मोटिवेटेड बाय एनीवन, जस्ट बी सेल्फ मोटिवेटेड. सेल्फ मोटिवेटेड रहिए और बोलने का काम करिए. बेइज्जती वेज्जती किसी चीज को मत सुनिए आप, कि कौन क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है. आपसे जितना बन सके उतना आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करिए. जो सिखा रहा हूँ बस यूज करते रहिए, घर बैठे बैठे आपको आ जाएगी, आराम से आ जाएगी. मैं नहीं सिखाऊंगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसमें मेरा कोई रोल नहीं होगा. इसमें जो भी होगा, आप वीडियो देख रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो, आप ही सीख रहे हो. मैं तो बस गाइड कर रहा हूँ आपको, नथिंग एल्स, ठीक है. चलिए क्लियर हो गया. तो मैं आपको, आप जब इंग्लिश सीख जाओगे तो मैं आपको एक चॉकलेट दिला दूंगा, डेफिनेटली. व्हेन यू लर्न इंग्लिश आई विल गेट यू अ चॉकलेट. तो मैंने क्या लगाया? आई विल गेट यू अ चॉकलेट, गेट समबडी समथिंग, ठीक है. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, और टॉपिक अच्छा लगा है, मजे आए तो शेयर कर दीजिए. इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, और लाइक भी कर दीजिएगा.
चलिए फिर नई वीडियो में मिलते हैं आपसे, कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। और बहुत जल्दी मैं वोकैबुलरी सेशन लाने वाला हूँ, तो प्यारे बच्चों जो आपके टच में हो उनको शेयर कर दीजिए। इफ दे वांट टू लर्न इंग्लिश इन अ इजी वे, आसान तरीके से बेसिक इंग्लिश सीखना चाहते हैं, थोड़ा बहुत बोल सके। और थोड़ा बहुत इसलिए कहता हूँ क्योंकि बड़ी बड़ी बातें नहीं भाई मुझे करनी आती, थोड़ा बहुत से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बनता है, मैनी अ ड्रॉप मेक्स एन ओशियन। तो उनको शेयर कर दीजिए, उनको भी हेल्प हो सके, और हेल्प हुई तो डेफिनेटली आप बस कुछ भी मत करिए, बस एक लाइक कर दीजिए करिए और थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए करिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी।